हेलो, वेलकम टू शालिनी अब्लिकर चैनल एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर स्टडीज विथ लॉट्स ऑफ फन। एम आई राइट? यस, आई नो। तो मैं हूँ शालिनी अब्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ यूनिट 3 18 ग्रोविंग अप। ये है एक पोएट्री। अबे ग्रोविंग अप यानी क्या? ग्रोविंग अप यानी बड़े होना। अबे जैसे तुम लोग पहले छोटू से बच्चे थे क्या? नहीं, फिर धीरे 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 फिर तुम बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। फिर तुम्हारे मम्मी के पैर भी तुम्हें अभी पूरे नहीं होते हैं, इतने तुम लोग बड़े हो गए अभी, है क्या? नहीं, तो छोटों से बड़े होना, इसे ही कहते हैं ग्रोविंग अप। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं एक फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग यानी मेंढक, मालूम है ना तुम लोग को? बेडूक, तो उसे कहते हैं फ्रॉग। मिस्टर थॉमस फ्रॉग, कौन है ये मिस्टर थॉमस फ्रॉग? अभी देखो भाई, यहाँ पर फ्रॉग की मम्मी दिखाई दे रही है और एक छोटू सा फ्रॉग दिखाई दे रहा है। कितना प्यारा लग रहा है ना वो। कौन से सीजन में हम लोग को फ्रॉग दिखाई देते हैं, क्या पता है तुम लोगों को? मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग को पता है करके? करेक्ट, तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कमेंट करके कि कौन से सीजन में हम लोगों को फ्रॉग ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ठीक है, गुड। तो मिस्टर थॉमस फ्रॉग लिटिल टॉमी टेड पॉल। अभी लिटिल टॉमी टेड पॉल, अभी ये जो है ना लिटिल टॉमी टेड पॉल है जो छोटा है। अभी टेड पॉल किसे कहते हैं? अ स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ फ्रॉग और टोड। एट फर्स्ट अ टेड पॉल हैज अ लॉन्ग टेल बट नॉट आर्म्स और लेग्स। अभी ये देखो, ये है टेड पॉल, लेकिन उसके हाथ और पैर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये जो उसका बचपन का जो स्टेज है ना फ्रॉग का, ये वो स्टेज है। ओके, लिटिल टॉमी टेड पॉल बिगन टू वीप एंड वेल। अभी उसने क्या किया ना, जोर से रोना धोना शुरू कर दिया। भाई क्यों रो रहा है ये टेड पॉल? फॉर लिटिल टॉमी टेड पॉल हैड लॉस्ट हिज लिटिल टेल। ओ, उसका ये जो लिटिल टेल था ना, वो कहीं खो गया है, इसके लिए ये जो टेड पॉल है इसने रोना धोना शुरू कर दिया है। जैसे तुम लोग की कोई चीज खो जाती है तो तुम लोग कैसे रोते हो, है ना? भा करके, मुझे चाहिए। तो ऐसे ही कुछ हो गया है बेचारे इस टेड पॉल के साथ। तो क्या हो गया है, उसका जो टेल है ना वो खो गया है। एंड हिज मदर डिडंट नो हिम। और उसकी मम्मी उसे पहचानती ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है। एज ही वेप्ट अपॉन अ लॉग। अभी वो किसके ऊपर बैठ के रो रहा है? ये जो लकड़ी का जो लॉग है ना, उसके ऊपर बैठ के ये रो रहा है जोर जोर से, भैं करके। और माँ बोलती कि भाई ये कौन रो रहा है इतनी जोर जोर से? फॉर ही वॉजंट टॉमी टेड पॉल। लेकिन वो अभी टॉमी टेड पॉल नहीं है बट मिस्टर थॉमस फ्रॉग। अभी वो बड़ा हो गया है तो उसका टेल हो गया है गायब और उसके हाथ पैर आ गए हैं, लेकिन ये जो अपना स्वामी है ना, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो बड़ा हो गया है। वो अब बेचारा अपने टेल को ही ढूंढ रहा है और टेल न मिलने की वजह से रो रहा है जोर जोर से, जोर जोर से। तो है ना बहुत ही फनी पोएट्री। लेकिन आप लोग के साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ था,
आप लोगों के जब पैदा हुए थे तभी भी हाथ पैर नाक मुंह दो आंखें सब वैसे के वैसे थी, लेकिन कुछ ऐसे जीव है, कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनके हाथ पैर जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो उसके लिए एक और इन लोगों ने हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है द बटरफ्लाई का, लेकिन इसके पहले इसे किसने लिखा हुआ है, ये टॉमी फ्रॉग के लिए सी जे डेनिस ने लिखा हुआ है द बटरफ्लाई। तो ये जो है ना आप लोगों का द बटरफ्लाई, तो साइंस का जो आप लोगों का लेसन है ना, उस लेसन में मैंने आप लोगों के लिए ये जो स्टेज है ना बटरफ्लाई के, वो मैंने सारे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने नहीं देखे हैं मेरे सारे वीडियोस, तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए मैंने अपलोड किए हुए हैं सारे वीडियोस आप लोगों के लिए, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। और उसी में ऐसे राइटिंग, कहानी लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का लिंक और बेल का आइकन टैप करके ऑल में जाइए, तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे लाइव वीडियोस के नोटिफिकेशन। तो कितना मजा आएगा जब हम लोग लाइव स्ट्रीम में पढ़ेंगे और आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं ना वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना कंपलसरी है, तो ही आप लोगों को मिलेगा मेरे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन, वरना फिर आप लोग मिस कर जाओगे। तो बिल्कुल भी मिस मत करना ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है? और लाइक करना मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, प्रॉमिस? ओके, इतना भरोसा तो मैं करती हूँ मेरे बच्चों के ऊपर। तो अभी देखो वो बटरफ्लाई के जो स्टेजेस है हम लोगों ने तो अच्छे से पढ़ लिए है, अभी उसी के ऊपर एक पोएट्री इंग्लिश में हम लोग को मिले तो हम लोग तो भाई बहुत आसानी से समझ जाएंगे ये पोएट्री द बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का बचपन और फिर जब वो बड़ा होता है तो उतना जो उसका सफर है ना, उसकी जो जर्नी है फ्रॉम चाइल्डहुड टू वो प्रॉपरली बटरफ्लाई होता है तब से लेकर, तो अंडे में से बाहर निकलने से लेके वो बटरफ्लाई होता है तब तक, तो देखते हैं हम लोग द फजी लिटिल कैटरपिलर। अभी सबसे पहले अंडे में से वो बाहर आता है तो वो होता है कैटरपिलर। अभी कैटरपिलर फजी यानी क्या, फजी यानी कवर्ड विथ सॉफ्ट फाइन हेयर दैट स्टिक्स अप, ठीक है? ये है उसका स्टेप। कर्ड अपॉन अ लीव यानी अपना जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते में अपने आप को वो गोल ऐसे गुंडाल लेता है। मेड हर सेल्फ अ क्रिसलिस अपने आजू बाजू में वो क्रिसलिस तैयार करता है। अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई क्रिसलिस इट इज ओनली द नेम ऑफ द हार्ड केस इन विच द कैटरपिलर लाइफ टिल इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बटरफ्लाई। तो ये इसके अंदर ही वो पूरी तरह से बटरफ्लाई बन के बाहर आता है। मेड हर सेल्फ अ क्रिसलिस एंड देन फेल अस्लीप, और क्रिसलिस बनाकर वो एक हार्ड लेयर होता है उसे बनाकर वो अंदर जाके सो जाता है। व्हाइल शी वॉज स्लीपिंग जब वो सो जाती है शी ड्रीम्ड दैट शी कुड फ्लाई, तो वो क्या सपने देखती है कि वो उड़ रही है। एंड लेटर व्हेन शी वोक अप लेकिन जब वो उठ जाती है शी वॉज अ बटरफ्लाई, और तब तक वो बटरफ्लाई हो जाती है और फिर वो इस तरह से सच्ची उड़ने लगती है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को ये बटरफ्लाई की जर्नी, कैटरपिलर से लेके बटरफ्लाई तक? तो ये जो नाम है ना बच्चों आप याद रखना, और जो पोएट्रीज है वो भी बाय हार्ट करके रखना, नहीं तो फिर ओरल एग्जाम में टीचर जब आपको पूछेगी कि पोएट्री बोलो तो फिर कैसे बोलोगे आप लोग? तो मैं आप लोग को एक बार पोएट्री बोल के बताती हूँ, ठीक है? ग्रोविंग अप मिस्टर थॉमस फ्रॉग लिटिल टॉमी टेड पॉल बिगन टू वीप एंड वेल
Poor little Tommy Tidball had lost his little tail, and his mother didn't know him as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tidball but Mr. Thomas Frog. एंड बड़ा होके फ्रॉग हो गया है. ठीक है, देखो भाई मैंने तो कोशिश की आप लोग अगर इसे अच्छा कोई चाल लगा कर रिदम में आप लोग गा सकते तो गाना और हंसना मत बिल्कुल भी. ठीक है, चलो अभी बटरफ्लाई का देखते हैं हम लोग. ओके, द बटरफ्लाई द फजी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन अ लीफ मेड हरसेल्फ अ क्रिसलिस एंड देन फेल अस्लीप. व्हाइल शी वाज स्लीपिंग She dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly. Wow! Clap. Okay, तो इस तरह से ये हमारी जो है growing up poetry हो गई है complete. And I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गई है ना? तो आप लोग अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो subscribe करके bell icon tap आप लोगों ने कर दिया है, तो thank you very much. और लाइक करना मत भूलिएगा मेरे वीडियो को भाई, जो काम करता है मेरे लिए टॉनिक का. और जल्दी ही मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चंस एंड आंसर. और कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर के साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.